आप सभी का स्वागत है। आज के समाचार हैं। बिना सुरक्षा उपकरण के सिविल चैम्बर में सफाई कर्मचारी को उतारकर ठेकेदार कर रहा है उनकी जान के साथ खिलवाड़। सिटी सेंटर स्थित पटेल नगर से आयकर भवन को जोड़ने वाले मार्ग पर सीवर लाइन की सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों को बिना सुरक्षा उपकरण के चैम्बर में प्रवेश कराकर सफाई कराई गई, जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि अत्याधुनिक मशीनों से ही सफाई कराई जाए। इसके लिए सुपर सक्शन मशीनें भी निगम के पास मौजूद हैं। पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में सीवर की समस्या बनी हुई थी, उसकी सफाई के लिए गुरुवार को सत्कार गेस्ट हाउस के बाहर से निकली सीवर की लाइन के मेन होल खोलकर सफाई कर्मचारियों को प्रवेश कराकर सफाई कराई जा रही थी। निगम के जानकारों का कहना है कि यह गैरकानूनी तरीका है। ज्ञात हो कि निगम के पास 14 अत्याधुनिक सीवर को साफ करने वाली मशीनें हैं, इसके बाद भी इनका उपयोग नहीं होता है। ठेकेदार पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। सीवर चैम्बर की सफाई एवं कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतने पर संबंधित ठेकेदार महेश पाल पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही होटल का कचरा नाली में बहाने पर सत्कार गेस्ट हाउस के संचालक पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया। महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार ने बताया कि संज्ञान में आया कि सीवर संधारण ठेकेदार द्वारा लापरवाही करते हुए बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर चैम्बर की सफाई कराई जा रही थी। मैम, अभी इस कैंपस के बाहर ही कुछ सफाई कर्मी बगैर सुरक्षा किट के चैम्बर में उतरे हुए थे, जबकि सफाई कर्मियों का चैम्बर में उतरना वर्जित है। मशीनें काम नहीं कर पा रही हैं, क्या स्थिति है, क्यों ऐसा करना? प्रेरणा ले रहे हैं, नहीं ठेकेदार को बुलवाएंगे कि क्या दिक्कतें आ रही, क्योंकि मेरी जानकारी बाहर के मामला बाहर ही है इसी कैंपस के। नहीं, आपसे बोला ना कि किट वगैरह सब उपलब्ध कराई गई है। बिल्कुल बगैर किट के वो उतरा हुआ था। मशीन खराब हो गई तो इसके लिए भी ठेकेदार को बोला जाएगा कि ये जानकारी समय पर उपलब्ध करवाए। आज के समाचार में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।